विद्यार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। प्रयागराज की घटना पर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर बड़ा हमला, माफिया को मीडिया में मिला देंगे, ऐसा यहां पर एक बड़ी कमेंटमेंट है योगी जी की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जितने भी माफिया हैं यूपी के सभी को माटी यानी कि मिट्टी में मिला देंगे, ये पूरी रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो भी शिक्षक हैं शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका इस समय केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा चल रही है और उन परीक्षा के सिलसिले में 21 को जो है धर लिया गया है यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में प्रयागराज में प्रश्न पत्र को हल करते समय सालवर के हत्थे चढ़े एसटीएफ ने वाराणसी में प्रयागराज व हरियाणा में एक साथ कार्रवाई की। आपको बता दें कि वाराणसी कार्यालय की संवाददाता की रिपोर्ट है, केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में एसटीएफ की अलग अलग टीमों ने शनिवार को हरियाणा के पलवल प्रयागराज और बनारस में छापेमारी की, जिसमें सालवर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। हरियाणा के पलवल में बैठा गिरोह का सरागना एनी डेस्क सॉफ्टवेयर के जरिए प्रयागराज में बैठे सालवरों का प्रश्न पत्र हल कर रहा था और एसटीएफ ने हैकर सालवर और अभ्यर्थियों समेत कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास 17 लैपटॉप और 13 सीपीयू, 24 मोबाइल फ़ोन और 3 इंटरनेट राउटर यानी कि इंटरनेट राउटर, एक प्रिंटर, अन्य चीज़ें मिली हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर मानदेय वाले शिक्षकों को सेवा विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के लिए की गई थी और 518 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। सदन में उठा आरक्षित वर्ग के 68 शिक्षकों को नियुक्ति का मुद्दा, यहाँ पर एक बड़ी खबर है। शिक्षकों के विवादित उत्तर अंक पाए जिसमें 600 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन, ये पूरी रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। मानदेय वाले शिक्षकों का सेवा विस्तार प्रस्ताव किया गया है। संस्कृत के प्रथमा महाविद्यालय स्तर के विद्यालय में शिक्षकों की कमी के जूझ रहे हैं और इसी क्रम में दूर करने के लिए पूर्व माध्यमिक के उत्तर माध्यमिक में नियुक्ति मानदेय पर 2 वर्ष के लिए ये कार्यक्रम जारी किया गया है। वहीं पर एक बड़ी खबर की बात करें तो रही आपके स्क्रीन पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर सपा का विधान परिषद में हंगामा हुआ, जिसमें जातीय जनगणना का मुद्दा शनिवार को विधान परिषद में भी गरमाया और सपा सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे सपा सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन की कार्रवाई रोक कर चर्चा कराने को कहा और सरकार ने उत्तर से असंतुष्ट सपा के सदस्यों को सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह को आसन के सामने आ गए और धरने पर बैठकर नारेबाजी आरंभ कर दी है। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। और वहीं पर एक बड़ी खबर की बात करें तो 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने छोड़ी परीक्षा, यूपी बोर्ड सुल्तानपुर जौनपुर व उन्नाव में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई और FIR उनके नाम दर्ज किया गया है। मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र का पेपर देखकर अभ्यर्थियों को खिले चेहरे, यानी कि पेपर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, यानी कि जो भी पढ़ाया था उसी में से प्रश्न आया था, जिससे सभी अभ्यर्थी बहुत ही संतुष्ट हुए। वहीं पर एक बड़ी खबर है होमगार्ड से रिलेटेड, होमगार्डों के मिल सकते हैं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। और आंकड़ों की नज़र पर आयुष्मान योजना की बात करें तो 1.37 करोड़ के प्रदेश में कुल पात्र परिवार हैं, जिसमें 1.01 करोड़ ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक आयुष्मान कार्ड बना है। ये पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, लखनऊ संवाददाता की विशेष रिपोर्ट है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 18 केंद्रों के अभ्यर्थियों को फिर से देनी होगी नर्सिंग भर्ती परीक्षा, रिपोर्ट के बाद निर्णय जल्द ही घोषित कर दी जाएगी और नई तारीख भी आपको देखने को मिल जाएगी। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नर्सिंग भर्ती परीक्षा की जांच कराने वाली हाई पावर कमेटी ने शनिवार को रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में 11 और केंद्रों पर भारी गड़बड़ी की पुष्टि हुई है, जिसमें वीडियो फुटेज, ईमेल और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जांच कमेटी ने कुल 18 केंद्रों की परीक्षा निरस्त कराने की सिफारिश की है। वहीं पर एक बड़ी खबर की बात करें तो नतीजे के बाद कट ऑफ में अंक में कमी असंवैधानिक हो चुकी है और नई दिल्ली विशेष संवाददाता की रिपोर्ट है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल एक विशेष श्रेणीगार के रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य परिणामों को यहां पर देखने को मिल सकता है। गुजरात में विभागीय चयन समिति के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पर्यवेक्षक, परीक्षक और वर्ग के 3 पदों के लिए परिणामों का प्रकाशन बाद में महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति की योग्यता अंकों को कम कर दिया गया है। ये कोर्ट ने समिति के इस निर्णय के नामंजूर कर दिया है और कहा है कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। एक बड़ी रिपोर्ट की बात करें यहाँ आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, बीपीएससी में सिविल जज के पदों पर भर्ती आ चुकी है। अगर आप पूरी डिटेल्स की जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर पता कर सकते हैं। आवेदन की तारीख 27
तारीख है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी ये डेट आपको दी गई है, 27 मार्च तक आखिरी डेट है। तो ये पूरी रिपोर्ट है आपके स्क्रीन पर, और वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।